हमारे इमाम साहब ना मस्जिद में हर महीने बयान करते थे कादियानी काफिर हैं। पहला बयान हमने सुना, हमने कहा कादियानी काफिर है, जो ना माने वो भी काफिर। बड़ा जोश आया हमें। अगले दफ़ा हम गए तो इमाम साहब का फिर बयान था कादियानी क्या है। फिर एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, तीन दफ़ा हो गया। मुझे याद एक दिन मजमे से बंदा उठा, बोला कादियानी काफिर नहीं है। हमने कहा इसको क्या हो गया। उसने कहा नहीं है। एक बूढ़े मियाँ थे वो गुस्से में खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं है कादियानी काफिर, हालांकि वो नमाजी आदमी दाढ़ी उनकी। लेकिन इनको क्या कह रहे हैं यार, हर हफ्ते यही सुन रहे हैं कादियानी क्या है, कोई टॉपिक ही नहीं इनके पास। और वो इस पे इतने जिद्दी हो गए, उन्होंने कहा मुनाजरा कर लो। तो खैर उनको तो हमने किसी तरह संभाला। वो तो उस वक्त शुक्र है मीडिया इतना मुतहर्रिक नहीं था, वरना वो वीडियो पे आते और अब तक मार्केट से शॉर्ट हो चुके होते। हमें पता था ये बेचारे जज्बात में आ गए हैं, वो एक ही चीज़ टॉपिक सुन सुन के ना। तो जब आप सख्ती से कहेंगे दुपट्टा तो लो, तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें, तो वो जो दुपट्टे वाली है ना वो भी दुपट्टे उतार उतार के बोले है ही नहीं दुपट्टा, इस्लाम में है ही नहीं। तो ये जिद पे आ जाता है इंसान। अपनी देखो अपने मातहतों पे आप सख्ती भी कर सकते हो, और जो आपके मातहत नहीं है उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते।